हिंदुस्तान में अगर हुनर ढूंढे निकले तो क्या नहीं मिल सकता। एक छोटे से बच्चे को भी अगर देखा जाए तो वो भी अपना हुनरवान है, उसके अंदर भी कोई ना कोई हुनर है। हमारे साथ मौजूद है एक युवक जिसने एक मोपेड तैयार की है। आपके सामने ये मोपेड है, देख सकते हैं किस तरह से इसने मॉडल तैयार किया है। और हम बात जानेंगे, मात्र 18 साल का युवक है जिसने ये मोपेड तैयार की है, और इससे हम बातचीत में पूछेंगे कि किस तरह से तैयार किया, क्या क्या यूज़र किए हैं इसमें। नाम बता दो अपना। मैंने मैं शिवानशु कश्यप, कासिमपुर पावर हाउस का रहने वाला हूँ, छोटा सा गाँव है वहाँ रहता हूँ। अच्छा, आगे ये बताओ क्या क्या चीजें बनाई और क्या नाम रखा पहले, क्या सोच के बनाया? ये मैंने ड्राइंग से बनाई थी, मेरा थोड़ा दिमाग घूम गया था तो मैंने इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है। उसके बाद इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्यूचर भी हैं और चलती भी बहुत बढ़िया, एक फ्लेक्सिबल है, बढ़िया चीज़ है। अच्छा, तो ये बताओ इसमें पहले इसका नाम बता दो, क्या रखा? इसका नाम है तेजस 2। क्या ना, क्या सोच के रखा? मेरे को तेजस अच्छा लगता है, जैसे लड़ाकू विमान है, मैंने उसी वजह से इसका नाम रखा तेजस। ये तुम्हारा लड़ाकू विमान है? हाँ जी सर। अच्छा, कौन से इंस्टीट्यूट से किया आपने? मैंने क्या पढ़ाई की है? आईटीआई। आईटीआई की? कौन से इंस्टीट्यूट से की है? इलेक्ट्रिकल। अच्छा, इंस्टीट्यूट का नाम? अंबर फातिमा। अच्छा, ये बताएं इसमें तुमने जो मोपेड तैयार की है, अब इसको तुम क्या कहते हो? मैं इसको तेजस ही बोलता हूँ। नहीं, अगर जैसे बाइक है, स्कूटर है, आप इसको क्या कहते हैं? मैं तेजस ही नाम बोलता हूँ। खाली तेजस? तेजस 2। अच्छा, इसमें क्या क्या पार्ट्स यूज किए हैं? इसमें मैंने पीवीसी पाइप लगाया है, लिथियम बैटरी लगाई है, यूनिवर्सल कंट्रोलर लगाए हुए हैं, अब पंखे भी हैं, म्यूजिक सिस्टम भी है, रिवर्स गियर भी है। और अच्छा, कितने जो वाहन हैं जिनके पार्ट्स इसमें यूज किए हैं? इसमें ओल्ड मॉडल टीवीएस, पेट्रोल वाली, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक एक्टिवा का सब पूरा सामान है इसमें, साइकिल का हैंडल है, रेंजर साइकिल का है, और हैंडल टी है, ओडल मोबाइल वाली। तुमने एक सिलेंडर जैसा बनाया, सिलेंडर जैसा ही क्यों बनाया? सिलेंडर जैसा इसलिए बनाया, मेरे को लुक अच्छा लगा इसका, गोल टाइप में। अच्छा, ना टंकी ना गद्दी, मतलब सिलेंडर पे गद्दी करती है? हाँ, जैसे ये लगे कि ये सीएनजी है, लेकिन सीएनजी नहीं है, लेकिन बैटरी है। अच्छा, कुछ इसमें जो पार्ट्स दिखा देते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फीचर्स दिखाते हैं। ये देखिए, ये दो लाइट हैं, बकायदा एक चील के रूप में इसको दिख रही हैं, और आप यहाँ आके देख सकते हैं, किसी भी गाड़ी में आपको फ़ैन नहीं मिलेंगे, बाइक में नहीं मिले, इसमें दो फ़ैन लगे हैं। इसको जरा चला के दिखाइएगा, इसमें देखो ये फ़ैन है, बकायदा चलते हैं और ये हवा भी देते हैं। देखिए किस तरह से इसकी आवाज़ आ रही है, हवा आ रही है, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसमें। और इसको जो है यहाँ से दो, ये इसका ऑन ऑफ है, यहाँ की लगी हुई है, यानी कि चाबी, ये जो चाबी लगी हुई है इसमें देख सकते हैं, और ये बटन लाइट के हैं, और ये आपका बटन है यहाँ पे ऑन ऑफ करने का, ये हेडलाइट का बटन है, बाकी ये सिर्फ एक्सीलेटर से चलती है गाड़ी। और इसके देखिए, मैं बता दूँ, ये स्कूटर के बताए गए हैं, ये जो उन्होंने बताए हैं, ये टायर और पहिए जो लगाए हैं स्कूटर के लगाए हैं, और इसमें कई अन्य जो छोटे छोटे वाहन हैं उनके पार्ट्स यूज़ किए हैं। देखिए, रोड पर जब ये युवक लेके इस गाड़ी को निकलता है तो देख सकते हैं, भीड़ भी देख सकते हैं, लोगों की अक्सर करके लग जाती है देखने के लिए, क्योंकि ये वो भीड़ है जो अक्सर करके अनोखी चीज़ देखना चाहती है। और आज उन्होंने रोड पर एक युवक को इस मोपेड को, जिसका तेजस 2 नाम रखा गया है, इलेक्ट्रिक बाइक है, और इन्होंने जो कॉस्ट बताई है, कॉस्ट कितनी लगी इसमें? 35,000 रुपये की, मात्र 35,000 रुपये में ये जो है बनके तैयार हो गई। और हम तो चाहेंगे, इनको दुआ करेंगे कि आपको जो है ये इस तरह के वाहन अगर बनाए और पेटेंट मिले आपके नाम से, कोई नाम जैसे कि तेजस 2 रखा है, ऐसे ही आपको जो नाम कमाते रहें। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि इस तरह के होनहार जो छात्र हैं, युवक हैं, बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करे और आगे बढ़ाए, इनकी मदद करे, जिससे कि देश सेवा ये अपने हुनर से कर सकें। भारत समाचार के लिए मुकेश गुप्ता, अलीगढ़।